हेलो एवरीवन, दिस इज जसबीर हियर। और एग्जैक्टली जो थंबनेल में आपने देखा है वही होने वाला है। मैं आपको सच में एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं बाइसेप्स के बारे में। मेरे बाइसेप्स शुरू से बहुत बुरे रहे हैं, आज भी कोई खास अच्छे नहीं है, बिकॉज जेनेटिकली आई एम नॉट दैट गिफ्टेड इन केस ऑफ बाइसेप्स। लेकिन मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, मैंने बहुत सारी स्टडी करी है कि मैं अपने बाइसेप्स को इम्प्रूव कर सकूँ, तब जाके मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे ही 15 साल से ऊपर हो चुका है मुझे इस इंडस्ट्री में, फिटनेस में। 2004 में मैंने पहला बॉडी बिल्डिंग शो खेला था और अच्छी खासी प्लेसिंग हुई थी मेरी उसमें। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने अच्छी खासी रिसर्च करी है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और तभी मैंने इसको सीक्रेट बताया, बिकॉज दिस इज़ वेल केप्ट सीक्रेट। क्या होता है कि ये बात कोई क्यों नहीं बताता, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला है आपको यार ये बात बतानी नहीं है आपको। ये इसीलिए नहीं बताई जाती बिकॉज ये बहुत सारे लोगों के जो प्रीवियस उनका जो थॉट प्रोसेस होता है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ कि दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं जो बाइसेप्स के बारे में ट्रेनिंग के, दो तरह के माइंडसेट हैं लोगों के। पहला तो ये है कि हाई नंबर ऑफ रेपिटेशन आप लगाओ बाइसेप्स ग्रो करता है, दूसरा है कि हैवी लगाओगे तो ही बाइसेप्स ग्रो करेगा। नाउ जो फर्स्ट वाला है, अगर आप हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाते हो तो आप देखोगे कि बाइसेप्स का साइज ग्रो नहीं करता है, यू डोंट डेवलप दैट काइंड ऑफ मसल मास इन योर बाइसेप्स। लेकिन अगर आप हैवी लगाते हो उसमें दिक्कत ये है कि एल्बो आगे मूव करनी शुरू हो जाती है, शोल्डर थोड़ा डोमिनेट कर लेता है वहाँ पे और बाइसेप्स से लोड हट के शोल्डर्स और बाकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो कुछ लोग स्विंग करते हैं, सो दे यूज देयर लोअर बैक एंड दे आर लाइक कि हाँ मैं बहुत हैवी लगा रहा हूँ, बट एक्चुअली बाइसेप्स पे वो लोड नहीं आ रहा होता। तो अब बात घूम फिर के आती है, यार ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि बाइसेप्स पे ही पूरा लोड आए और पूरी तरह से आपका बाइसेप ही एक्टिवेट हो इंस्टेड ऑफ शोल्डर्स और समथिंग एल्स डूइंग द जॉब। सो जैसे चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो इवन इफ यू डूइंग बेंच प्रेस, अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ज़्यादातर लोड ले लेते हैं और चेस्ट पे जो लोड रह जाता है वो 50-60% रह जाता है। सो 40% या 50% लोड शोल्डर्स में और ट्राइसेप्स में डिवाइड हो जाता है। सो सेम थिंग हैपेंस विद बाइसेप्स एंड सेम थिंग हैपेंस विद एनी मसल, अगर वो आपका माइंड मसल कनेक्शन वहाँ पे बना नहीं है तो। सो बिफोर मैं वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं खींचूँगा, मुद्दे पे आते हैं। करना ये है जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, करना क्या है। आप चाहे आप सिर्फ बाइसेप्स लगा रहे हो, चाहे आप बैक के साथ बाइसेप्स लगा रहे हो, चाहे आप चेस्ट के साथ बाइसेप्स लगा रहे हो, आपको शुरू करना है खाली बारबेल के साथ बारबेल कर्ल। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर वन, खाली बारबेल के साथ बारबेल कर्ल एंड यू हैव टू प्रॉपरली डू इट फुल रेंज ऑफ मोशन। नीचे एल्बो लॉक करोगे, ऊपर आओगे, प्रॉपरली बाइसेप्स को स्क्वीज करोगे एंड डू दिस फॉर लाइक 20 रेपिटेशंस। उसके बाद आप सिर्फ 2.5 किलो ऐड करोगे एंड नाउ यू विल बी डूइंग 15 टू 20 रेपिटेशन अगेन। अब आप लोगे 2 मिनट का ब्रेक, पूरे 2 मिनट का ब्रेक, इसके ऊपर से आप 2.5 किलो ऐड करोगे और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन लगाओगे फेलियर तक। जो लास्ट के 3-4 रेपिटेशन होंगे वहाँ पे आप जर्क भी कर सकते हो, शोल्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को आपको पुश करना है। लेकिन पहले के जो 7, 8 या 10 रेपिटेशन हैं, जितने ज़्यादा रेपिटेशन आप लगा सको पहले के, उनको अच्छे से लगाना है, अच्छी फॉर्म एंड टेक्निक के साथ लगाना है। उसके बाद अगर आपके जिम में 1 kg की प्लेट अवेलेबल है तो 1 kg ऐड करना शुरू कर दो एंड कीप ऑन डूइंग दिस। मतलब 1 kg ऐड किया, 2 मिनट का ब्रेक लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाए अच्छी फॉर्म और टेक्निक के साथ, उसके बाद आपने स्विंग करा, जर्क मूवमेंट कैसे भी करके 3-4 रेप और लगाने हैं, पुश करना है अपने आपको वहाँ पे। हेल्प नहीं लेनी किसी की भी, किसी को सामने खड़ा नहीं करना है, किसी को बोलना नहीं कि मेरे को हेल्प चाहिए। फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 1 किलो ऐड करना है एंड यू हैव टू डू 10 sets। जो आपका लास्ट वाला सेट होगा उसमें अच्छी मूवमेंट के साथ, अच्छी फॉर्म एंड टेक्निक के साथ आई गेस आप 4-5 रेप लगा पाओगे और जर्क मूवमेंट के साथ 3-4 रेपिटेशन आप और लगा पाओगे। सो यू गॉट टू डू 10 sets। इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा वेट ऐड नहीं करना है, यू शुड नेवर ऐड मोर देन 1 kg इन ईच सेट। आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो सकता है 20 किलो इधर 20 किलो उधर डाल के आराम से बारबेल कर लगा सकते हो, बट यू डोंट हैव टू डू इट, डोंट डू इट। तो ये
10 सेट आपने लगाने हैं और इन 10 सेट्स को इसी पैटर्न में आपने लगाना है। इसके बाद आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू स्टार्ट विथ 7.5 और 5 केजी डंबल्स। आपको इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल करने हैं, एल्बो को पीछे रखना है, एल्बो को आगे नहीं रखना है, ऐसे एल्बो को ऐसे पीछे ही रखना है, वहीं पे कर्ल करना है आपको। और वहीं पे कर्ल करते हुए आपने कम से कम जो है इसके 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। धीरे धीरे वेट बढ़ेगा इसमें भी, 5 kg, देन 7.5, देन 10 kg, और 10 kg पे जाके अगर आपको लगता है इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट एनफ कि आप 12.5 kg उठा सकते हो तो मत उठाना, 10 kg के ही और सेट लगाने हैं। टोटल 6 सेट लगाने हैं आपने इसमें। एंड देन यू हैव टू डू इंक्लाइन बेंच पे, इंक्लाइन बेंच है ना जो जिस पे अभी आपने डंबल कर्ल लगाए हैं, तो इंक्लाइन ऐसे था, आपने डंबल कर्ल लगाए, अब इसी बेंच पे उल्टे लेट जाना है आपने। उल्टे लेट कर आपने हैमर कर्ल लगाना है। हैमर कर्ल के आप लगाओगे 4 सेट, बिल्कुल लाइट वेट से शुरू करोगे, 20+ रेपिटेशंस लगाओगे, उसके बाद वेट बढ़ाओगे, उसके बाद मैक्सिमम रेपिटेशंस, फिर वेट बढ़ाओगे, मैक्सिमम रेपिटेशंस, फिर वेट बढ़ाओगे, मैक्सिमम रेपिटेशंस। तो इस तरह से आप यहाँ पे 3 से 4 सेट ये लगाओगे। इसके बाद आपने छुट्टी कर देनी है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। यू विल ओनली ट्रेन बाइसेप्स। अगर आपके बाइसेप्स वीक हैं तो बाइसेप्स को आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी है। ऐसा नहीं करना है आपको कि सुबह भी बाइसेप्स लगाए, अगले दिन सुबह फिर लगाने लग गए, या अगले दिन शाम को लगाने लग गए। सो यू डोंट हैव टू ओवर ट्रेन योर बाइसेप्स। कुछ लोगों का ये मानना है कि बाइसेप्स छोटा मसल है, जल्दी रिकवर कर लेता है, तो हम इसको रोज भी ट्रेन कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी चलो कहीं ना कहीं वैलिड होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखने में नहीं आया कि जो लोग एक दिन छोड़ के बाइसेप्स की ट्रेनिंग करते हैं उनके कोई बाइसेप्स कोई खास बड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू बेसिकली हैव टू ट्रेन योर बाइसेप्स ट्वाइस ए वीक, नॉट मोर देन ट्वाइस ए वीक। वंस ए वीक लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन जब आप उसको ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से ही ट्रेनिंग करना है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप इसी पैटर्न में ट्रेनिंग करते हो तो यू विल सी चेंजेस विद इन अ मंथ, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ माई क्लाइंट्स जिनको 1 महीने में ही फ़र्क पड़ा है, और उनकी जो 1 महीने पहले की पिक्चर थी और 1 महीने बाद की पिक्चर, उसमें बहुत फ़र्क है। और बहुत फ़र्क मतलब ऐसा नहीं कि 4 इंच बाइसेप्स बड़ा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बाइसेप्स की शेप अच्छी हो जाती है, बाइसेप्स का माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बाइसेप्स ग्रो करना शुरू कर देता है, उसकी शेप सुधर जाती है। एंड बिकॉज यू आर डूइंग फुल रेंज ऑफ मोशन तो उसकी शेप सुधरेगी। अगर आप हैवी लगा रहे हो और आप जर्क कर रहे हो तो आपकी रेंज ऑफ मोशन में 20% 15 से 20% तो कटौती हो ही जाती है। तो जर्क वाला तो काम है नहीं है यहाँ पे, आपको अच्छी फॉर्म एंड टेक्निक मेंटेन करनी है। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सवाल है मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको चाहिए पर्सनल ट्रेनिंग नॉट जस्ट अबाउट बाइसेप्स, फॉर एवरी मसल पार्ट देर आर फ्यू थिंग्स जो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे तरीके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो रिज़ल्ट 6 महीने में या 1 साल में लेके आते हैं उनको कम किया जा सकता है, उनमें से 1-2 महीने कम कर सकते हैं। वी कैन गेट टू द रिजल्ट्स वेरी फास्ट इफ़ वी फॉलो द प्रिंसिपल्स विच आर यू नो टेस्टेड विच हैव बीन टेस्टेड ओवर ईयर्स। और बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करी हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको फैट लॉस करना है, बॉडी डेवलप करनी है, या कुछ भी ऐसा, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप देवगन जसपीर के नाम से सर्च कर सकते हो, यू विल फाइंड मी देयर। आप मेरे को फॉलो कीजिए, DM कीजिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू, एंड वी कैन बिगिन द ट्रेनिंग एज वेल। और इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। थैंक यू सो मच।